तो आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि पैन कार्ड में फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपडेट किया जाता है। यानी कि दोस्तों, अगर आपके पैन कार्ड में फ़ोटो मिसमैच है या फिर अगर सिग्नेचर मिसमैच हो चुका है, तो आप अपने पैन कार्ड में फ़ोटो और सिग्नेचर को कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लाइव प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि पैन कार्ड में फ़ोटो और सिग्नेचर को कैसे आप अपडेट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों पैन कार्ड में किसी भी प्रकार की अपडेट करेक्शन करना हो, जैसे कि लाइक डेट ऑफ बर्थ हो, नाम हो, या फिर एड्रेस को अपडेट करना है, तो उसके ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी तरीके से दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू में फोटो और सिग्नेचर अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहां से आप अपने पैन कार्ड में फोटो और सिग्नेचर कैसे आप अपडेट कर सकते हैं, तो सब टाइप देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते दोस्तों आपके सामने तीन ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर एक लास्ट में ऑप्शन दिया गया है चेंजेस और करेक्शन का ऑप्शन, ठीक है। आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ से कैटेगरी मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट में ही इंडिविजुअल का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों, अब यहां से आपको अपना टाइटल को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका टाइटल है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहां पर आपको अपना लास्ट नेम फिल करना है, यहां पर फर्स्ट नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो यहां पर आप टाइप करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहां से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आप टाइप करेंगे। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी टाइप करना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर आप जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करेंगे, वही आपके पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया मिलता है, तो इस पर आप सिलेक्ट करेंगे यस के ऑप्शन में। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको अपना पैन नंबर को टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन मिल जाता है, इसको एक्सेप्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड मिलेगा, तो जिस प्रकार से रहेगा उसको यहाँ पर आप टाइप करेंगे। बाद दोस्तों, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी टोकन नंबर मिलता है, इसको सबसे पहले आपको नोट करके रख लेना है, सेव करके रखना है, क्योंकि अगर आपका फॉर्म अप्लाई करते समय कहीं पर भी एरर आ जाएगा, तो इस टोकन नंबर से आप लॉग इन होकर अपना फॉर्म को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो ये आपको नोट करके रख लेना है। बाद यहाँ से कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा, जिसमें यहाँ पर आपको अब तीन स्टेप कंप्लीट करना है। पहला स्टेप पर्सनल डिटेल्स, दूसरा कॉन्टेक्ट एंड अदर डिटेल्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स यहाँ पर आपको अपलोड करना है। टाइप मिलेगा, इसको आपको सिलेक्ट करना होता है। तो सेकंड में एक ऑप्शन दिया गया है, सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फिजिकल पैन कार्ड, यानी कि दोस्तों अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड भी अगर लेना है तो यस करेंगे। इसमें आपका कितना अमाउंट लगता है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहां से आपको मिल जाएगा पैन नंबर, यानी कि दोस्तों आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है उसको एक बार आपको देख लेना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद यहां से आपको अपना आधार का जो लास्ट 4 डिजिट नंबर है उसको यहां पर आपको टाइप करेंगे। तो यहां से आपको अपना नाम फिल करना है, उसी तरीके से जिस तरीके से आपके आधार कार्ड में होता है। उसके बाद यहाँ से GST नंबर दिया गया है, जो कि ये ऑप्शनल में है। उसके बाद यहाँ से आपका पूरा नाम देखने को मिल जाएगा कि आपका क्या नाम है, तो एक बार आपको देख लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहां से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी देखने को मिल जाएगा, यानी जो भी आपने फिल किया हुआ है। अगर आपने पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को भी करेक्शन करते हैं, तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां जो बॉक्स दिया गया है। और अगर आपको नहीं करेक्शन करना है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी को रहने देना है, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सिर्फ फोटो और सिग्नेचर को अपडेट करना है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर होता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं हमारा आ चुका है फोटो मिसमैच और सिग्नेचर जो है वो हमारा मिसमैच है, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है, क्योंकि यही हम यहाँ पर अपडेट करने वाले हैं, ठीक है। फादर्स का लास्ट नेम टाइप करेंगे, फादर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम टाइप करेंगे, उसके बाद मदर्स नेम मिल जाता है, जो कि ये ऑप्शनल में, ठीक है। अगर आप चाहो तो फिल कर सकते हैं, अन्यथा आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने पैन कार्ड में किसका नाम चाहते हैं, पेरेंट्स में फादर्स हो या मदर्स। अगर आप मदर्स का चाहते हैं, तो इस पर आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको मदर्स का नाम टाइप करना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, अब आपके सामने एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस को कम्प्लीट करना है, जिसमें यहाँ पर आपको दो टाइप मिलता है, रेसिडेंट्स और ऑफिस का एड्रेस। यहाँ पर आपको रेसिडेंट्स वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस को यहाँ पर टाइप करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, जैसे कि यहाँ पर विलेज, पोस्ट ऑफिस, सब डिविजन, इस तरह से यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट फिल करना है। यहाँ से आपको अपना कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा कंट्री क्या है कि आई लव इंडिया, तो यहाँ पर हम इंडिया को सिलेक्ट कर लिए हैं।
उसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको पिन कोड को टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डायरेक्टली नीचे आना है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको अपना कंट्री का जो कोड है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको 91 यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा, यानी आपने क्या दिया हुआ है, तो एक बार आपको कंफर्म कर लेना है। और यहाँ से मिल जाता है मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि दोस्तों अगर आपका एक से अधिक पैन कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, यानी डिलीट करा सकते हैं। अगर आप दो पैन कार्ड इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसमें आपका 10,000 का जुर्माना लगेगा, साथ ही साथ में आपका जेल भी हो सकता है। तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते दोस्तों अब आपके सामने आ चुका है डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप प्रूफ एड्रेस के लिए और डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या प्रूफ देना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रूफ आइडेंटिटी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको आधार कार्ड को ही सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस के लिए क्या प्रूफ देना चाहते हैं तो इसमें भी आपको क्या करना है कि अपना आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से भी आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आधार कार्ड को ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको तीनों में आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है प्रूफ ऑफ पैन, यानी पैन कार्ड के लिए क्या प्रूफ देना चाहते हैं, पैन कार्ड का कॉपी हो या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आपको नो डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका डिक्लेरेशन आ जाता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको हिम सेल्फ वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते दोस्तों यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितना डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, उसका नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होता है। यहाँ पर हमने सभी में आधार कार्ड को ही सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो हमारा एक डॉक्यूमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको एक मेंशन कर देना है, ठीक है। और अगर आप पेन के लिए कोई प्रूफ यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ पर आपका दो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक ही हो रहा है तो यहाँ पर हमने एक टाइप कर दिया है। उसके बाद यहाँ से आपको प्लेस टाइप करना है, यानी आप पैन कार्ड को किस जगह से अप्लाई कर रहे हैं उसको यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद दोस्तों अब यहां से आ जाता है मेन चीज, फोटो अपलोड करने का ऑप्शन, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहां पर आपको फोटो अपलोड करना है, यहां से सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, जो कि इसका साइज कितना है आप देख सकते हैं, सब कुछ यहां पर मेंशन किया गया है। अगर आप इसका साइज बनाना चाहते हैं तो कैसे आप बना सकते हैं, तो इसके ऊपर हमने एक कम्प्लीट वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आप अपने मोबाइल फोन से ही बना सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आपको अपना फोटो को अपलोड करना है, जो भी आप फोटो यहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पर प्लस का आइकन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जिस जगह पर आपका फोटो रखा हुआ है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह से अपलोड करना है। अब यहाँ से अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों इस प्रकार से आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर आपको सिग्नेचर को भी अपलोड करना है, तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और फिर अपलोड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, यानी आधार कार्ड को अपलोड करना है, ठीक है। इसका देखते हैं फॉर्मेट, पीडीएफ दिया गया है तो पीडीएफ में भी बना सकते हैं, तो हमने वीडियो बनाया हुआ है आप देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसी तरीके से प्लस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको आधार कार्ड को भी अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया, अब फिर से अपलोड वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका आधार कार्ड डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो जाता है। और अगर आपने एक से अधिक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर एड डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप एड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। पर क्लिक करते दोस्तों अब यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि आपने क्या क्या डिटेल्स फिल किया हुआ है, एक बार आपको देख लेना है। और यहाँ पर आपका आधार नंबर फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप अपने आधार कार्ड का जो फर्स्ट 8 डिजिट नंबर है उसको यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ पर आपने जो भी डिटेल्स फिल किया हुआ है एक बार आपको सही तरीके से देखते जाना है कि यहाँ पर आपका कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और अगर आपका बिल्कुल सब कुछ सही है तो आपको डायरेक्ट नीचे आना है। अब यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलेगा, अगर गलत हुआ है तो एडिट कर सकते हैं, और अगर आपका बिल्कुल सही है तो आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट का मेथड आ जाएगा, यानी आपको पेमेंट करना है तो आप किसके थ्रू से पेमेंट करेंगे उस मेथड को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन पेमेंट जो दिया गया है यहाँ पर देखते हैं, बिल डेस का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इसी में आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से आपको कितना पेमेंट लगेगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लगभग 107 रुपये आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर इसका टर्म एंड कंडीशन दिया रहता है, इसको एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है।
क्लिक करते दोस्तों अब यहाँ से पे कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे पेमेंट का मेथड आ जाता है, यानी कि आप किसके थ्रू से पेमेंट करना चाहते हैं उस मेथड को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पर क्यूआर कोड मिल जाता है यूपीआई आईडी, तो आप जिसके थ्रू से पेमेंट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि आप हमने यूपीआई को सिलेक्ट कर लिया से इसका क्यूआर कोड भी देखने को मिल जाता है, यानी कि आप इसको स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शो कोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्यूआर कोड देखने को मिल जाता है, तो इसको यहाँ पर आपको स्कैन कर लेना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको इंतजार करना है, आपको बैक रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पर आपका पेमेंट फाइल्ड हो सकता है, तो यहाँ पर आपको एक मिनट तक इंतजार कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर आपका नीचे आ जाएगा टर्म एंड कंडीशन, इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहां से ऑथेंटिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों अब यहां से ओटीपी ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करते दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उसमें एक ओटीपी सेंड किया जाता है, तो उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है और फिर सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। आपके सामने आ चुका है कंटिन्यू विथ ई साइन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन रहता है, इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर को टाइप करेंगे और फिर सेंड ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों अब फिर से आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उसमें ओटीपी सेंड किया जाता है, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों इस प्रकार से आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक पीडीएफ फॉर्म मिलेगा जिसमें यहाँ पर आपसे पासवर्ड पूछा जाता है, तो दोस्तों आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको टाइप करना है, यानी कि आपके पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको टाइप करेंगे और ओके के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों इस तरह से आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा, यानी आपने क्या क्या डिटेल्स फिल किया हुआ है, इसके साथ आपने कौन सा यहाँ पर डॉक्यूमेंट को मेंशन किया हुआ है, हर एक चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है, जितना स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपके पैन कार्ड में फोटो और सिग्नेचर अपडेट हुआ या नहीं हुआ है। अपडेट होने में कम से कम 10 से 20 दिन का टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको इंतजार करना है। और आपका जो फिजिकल पैन कार्ड होता है वो 30 दिनों के अंदर बाई पोस्ट आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से अपने पैन कार्ड में फोटो सिग्नेचर को अपडेट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ।